मैं आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम आपको बताते चले कि चंद दिन पहले हम एक स्टोरी की थी जो स्कूल के रिलेटेड थी, तो इसमें आपको हम बताते चले कि तो ये बड़ी बेरा लोलाब का एक पुल है जो पिछले दिनों भारी बारिश जो बारिश हुई थी उसकी वजह से ये थोड़ा निकल आया था, और आज उसके बाद यहाँ पर डीसी साहब ने भी पर्सनली दौरा किया और जो कंसर्न अफसर साहिबान जो थे और एक्सन वगैरह वो भी आए थे यहाँ पे, और PMGSY के तहत इसको आप काम नए सिरे से शुरू किया गया और इसकी डेटिंग की गई। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो पुल है ये एक साइड से इसका पिलर जो है वो निकल आ चुका था, और अब इसके बाद इसको ठीक किया गया है और इसकी डेटिंग की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर आज इसका काम मुकम्मल हो गया है, कम से कम 5-7 दिन तक ये पुल बंद पड़ा रहा, और आज के डेट में इस पुल को पूरी तरह से तैयार किया गया है, और शायद 1-2 दिन के बाद जब ड्राई होते ही लोगों की आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अभी तो इसका कम्प्लीट काम हो चुका है और अगले 2 या 1 दिन में इसको खोल दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए। बाकी जो इसकी जो कंफर्मेशन है वो मुतलका अफसर साहिबान से शायद कल पता चलेगी, लेकिन जो पुल का अक्सर असल काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, इसकी जागती हो चुकी है और इसको कंप्लीट किया गया है साइड से, और जो इसका मेन पिलर है ये पुराना पुल है और तकरीबन 60 साल पुराना पुल है ये, और उस वजह से ये और जो हाल ही दिनों में बहुत भारी जो बारिशें हुई और बाकी चीज़ें जो सैलाब जैसा सूरत हुई थी यहाँ पे, तो उस वजह से इसकी जो पिलर है वो निकल आया था। अब के बाद ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयारी में है, और ये NH News 1 की आपको मैं इस रिपोर्ट के साथ जो आज मैं बताना चाह रहा हूँ, हमने इस पर एक स्टोरी की थी और डीसी साहब से भी हमारी बात हुई थी यहाँ सुगाम ब्लॉक दिवस में और पुल के रिलेटेड, तो जनाब डिप्टी कमिश्नर इमाम साहब ने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पुल को पाई तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और ट्रेवर्सन की बात जो है, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं लगा 2-3 दिन से, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा था, फिर उसके बाद कन्वर्ट करके पानी को कन्वर्ट करके और थोड़ा जब ये ड्राई हुआ एक साइड से तो उसके बाद इस पर काम लगाया गया। कहने का मतलब ये जो पहले के चंद 2-3 दिन थे वो पानी की बहाव की वजह से ज़ाया हुए, उसके बाद काम लगना शुरू हो गया और आज की डेट में आप ये देख रहे हो ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपके पास इससे अभी तो ये बताना चाहते हैं 1 किलोमीटर के बजाय हमें 7 किलोमीटर निकालना पड़ता है, सोगाम चाहिए, लालपुरा चाहिए, देवर मदमपुरा रोड भी बंद रखते हैं ये लोग, फिर बोल रहे हैं आप कुलगाम से जाओ, कुलगाम रोड भी बंद होता है, 11:15 गाड़ियाँ घर पहुँचती हैं। इसलिए जो हमने देखा है कि पुल का काम मुकम्मल हुआ है, अब हम डी साहब गुजारिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक के लिए बाहर करें, तो लोग तो कोई आने जाने की कोई परेशानी नहीं होती। तो आपका क्या कहना है इस पुल के बारे में, कहाँ कितना सफ़र किया आप लोगों ने? बहुत सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ से 18 या 19 किलोमीटर है, अभी तो हमें 25-26 किलोमीटर निकालना पड़ता है, और इतना ट्रैफिक जाम होता है, अगर किसी को कहीं भी जाना होगा उसको आधे घंटे में 3-3 घंटे लग जाते हैं, इसलिए हम जिस हिसाब से गुजारिश करें कि ये पुल छोड़कर बड़े मुश्किल। तो आप जो ये बाकी जो सवारियां थी, आधी गाड़ियां यहाँ रहती थी, आधी गाड़ियां वहाँ, तो उनको भी मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होना करना पड़ता है इनको, क्योंकि जब वहाँ से कोई माल वाल भी आता है दुकानदारों के लिए, यहाँ से कांधे पे ले कोई पेशेंट होगा कुछ होगा, मुश्किल बहुत। तो अब ये पुल कम्प्लीट हुआ है, तो आप इससे खुश हैं, मुतमिन हैं इससे? मुतमिन है, इस वक्त ये ठीक ही है, उन्होंने बताया, हम ठेकेदार साहब से मिले हैं, उसने बताया अभी तैयार है, कल इंशाल्लाह छोड़ेंगे। अब हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट करें कि ये छोड़े, हमारा मुश्किल आसान हो जाएगा। तो इनका साफ कहना है कि ये पुल जो अभी तक है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये भी जरूरी है कि टेक्निकल जो की वजह से जो अभी ये पुल थोड़ा सा अभी ड्राई नहीं हुआ है, अच्छी तरह से जब ड्राई हो जाता है शायद कल तक ये ड्राई हो सकता है, और अगले दिन के लिए ये गाड़ियों को मूव करेंगे यहाँ से। तो हम डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द ये इस काम को सरे अंजाम दिया है, तो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं और ड्राइवरों ने खासकर जो यहाँ सफर उठाया, और इनको तेल भी ज्यादा खर्चा हुआ है, तो तेल का खर्चा भी ज्यादा हुआ और लोगों को भी सफर करना पड़ा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। रजत जी बोल रहे हैं आप? हाँ, रजन सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, मैं NH News 1 के लिए इरशाद वानी कुपवाड़ा से। हाँ जी, हाँ बोलिए जी। सर, आपका ये जो पुल, ये जो बड़ी बीर का पुल है, अभी ये वो शायद मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, तो सर मैंने आज बाजार था वहाँ पे एक वीडियो शूट भी किया है और आपका वो काम मुकम्मल हो चुका है, तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर जो आपने मुकम्मल किया इस काम को। तो आप बताइए,
अच्छा सर आप बताइए कि कब तक ये ट्रैफिक मूवमेंट के लिए कब तक ये बस सेटिंग हो जाए सीमेंट की थोड़ी फिर छोड़ेंगे। तो कितने दिन लग सकते हैं सर इसमें? 21 दिन टाइम होता है सेटिंग का, तो आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके। तो अभी शायद क्या इसका मतलब ये 21 दिन तक बंद रह सकता है सर? 21 दिन नहीं बंद रखेंगे, अलबत्ता हैवी व्हीकल्स के लिए थोड़ा परहेज करनी पड़ेगी, तो देखते हैं लाइट व्हीकल्स का देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके। अच्छा अच्छा, तो इसका बाजाता ऐलान कब हो सकता है और आप कब इसके बारे में कभी देखेंगे? आप बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से तो पता चल जाएगा। ठीक है सर, एनएक्स न्यूज में आपका खैर मकदम है सर। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू।